माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब ने योगी सरकार के साथ बड़ा खेल करने की कोशिश की, लेकिन दोनों के खेल पर पानी फिर गया। दरअसल जैनब और शाइस्ता पैसों की कमी से अब परेशान हो रही हैं। अब दोनों अतीक और अशरफ की बेनामी संपत्तियों को बेचने की जुगाड़ में लगी हुई हैं, ताकि वह अली और उमर को जेल से बाहर निकाल सकें और फिर से अपना काला साम्राज्य खड़ा कर सकें। दोनों इसके लिए वकील विजय मिश्रा को भी अपने काले कारनामों में शामिल करने की जुगत में लगी हुई हैं। काफी हद तक बेनामी संपत्तियां बिक भी जाती, लेकिन इस बीच सीमा हैदर अवैध रूप से भारत आ गई, जिससे शाइस्ता परवीन के अरमानों पर पानी फिर गया। शाइस्ता का सारा प्लान धरा का धरा रह गया। इसका खुलासा वकील विजय मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में हुआ है। सूत्रों के मुताबिक विजय मिश्रा ने पुलिस को बताया कि अतीक की प्रयागराज और लखनऊ स्थित बेनामी संपत्तियों को बेचने के लिए वो खरीदार ढूंढ रहा था, लेकिन यूपी का कोई भी बिल्डर अतीक की संपत्ति खरीदने को तैयार नहीं था। ऐसे में नेपाल में रहने वाला यूपी का एक माफिया इन संपत्तियों को खरीदने के लिए तैयार हुआ था। संपत्ति की तस्वीर और वीडियो के साथ जरूरी कागजात विजय मिश्रा ने व्हाट्सएप के जरिए नेपाल के उस माफिया को भेजे थे, जिसके बाद जमीन की डील पक्की हो गई थी। हालांकि खरीदार एक बार सामने बैठकर विजय मिश्रा और शाइस्ता जैनब से बात करना चाहता था। इसके लिए लखनऊ में मीटिंग बुलाई गई थी, जिससे अशरफ की पत्नी जैनब, वकील विजय मिश्रा और नेपाल की खरीदार माफिया शामिल होने वाले थे। सूत्रों की माने तो ये मीटिंग 26 जुलाई को फिक्स हुई थी। वकील विजय मिश्रा लखनऊ पहुंच चुका था, लेकिन उसे बताया गया कि खरीदार नेपाल से उस दिन नहीं बल्कि दूसरे दिन आएगा। अगले दिन 3 दिनों तक मीटिंग का समय टलता गया। सूत्रों की माने तो पूछताछ में पता चला है कि जब विजय मिश्रा ने नेपाल के माफिया से मीटिंग टालने का कारण पूछा, तो जवाब मिला कि पाकिस्तान की सीमा गुलाम हैदर नेपाल के रास्ते भारत में चोरी छुपे घुसी है। इसके बाद से नेपाल की सीमा पर सख्ती बढ़ गई है, जिसकी वजह से वो भारत में मीटिंग के लिए नहीं आ पाया। नेपाली माफिया ने वकील से कहा कि लोकल पुलिस और एसएसबी हर आने जाने वाले की जांच कर रही है, ऐसे में फिलहाल अभी नेपाल से यूपी आने में मुश्किल है। इसके बाद वकील विजय मिश्रा 5 दिन तक लखनऊ में डेरा डाले रहा। बीते रविवार को प्रयागराज पुलिस ने उसे धर दबोच लिया। पूछताछ में सामने आया है, अतीक ने साल 2015 में गौसपुर कठहुला में जमीन खरीदी थी। उसने राजमिस्त्री के नाम 25,000 वर्ग फुट खरीदी थी। लखनऊ में कुछ बिल्डर की संपत्तियों में भी अतीक का पैसा लगा था। ये संपत्तियां भी अलग अलग लोगों के नाम पर थी। एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस अब इसकी भी जांच कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ शाइस्ता और जैनब का पता लगाया जा रहा है। अब विजय मिश्रा के गिरफ्तारी के बाद जल्द ही जैनब और शाइस्ता भी सलाखों के पीछे हो सकती है। कहा जा रहा है कि जैनब पुलिस के हत्थे तो नहीं चढ़ी, मगर अब पुलिस और एसटीएफ को शाइस्ता और जैनब को लेकर अहम बात पता चली है। पुलिस को पता चला है कि बेनामी संपत्ति की डील से 12 करोड़ रुपए का भुगतान होना था। जैनब और शाइस्ता हर कीमत पर देश से फरार होना चाहती हैं। जैनब और शाइस्ता के फरार होने में इस रकम का इस्तेमाल होना था, लेकिन उससे पहले ही यूपी पुलिस ने शाइस्ता और जैनब के अरमानों पर पानी फेर दिया। जल्द ही शाइस्ता और जैनब सलाखों के पीछे नजर आने वाली है।